हरे कृष्णा। सभी का स्वागत करना चाहेंगे आज के इस गीतामृत कार्यक्रम में। आप सभी से निवेदन है, आप थोड़ा आगे आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा सब लोग, क्योंकि कुछ लोग बाहर खड़े हैं और फिर बाकी और भी आएंगे भक्त तो जगह होंगी। तो गणेशोत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो कुछ भक्त ऐसा पूछ रहे थे कुछ लोग कि आप गणपति की उपासना कैसे करते हैं, करते हैं क्या? तो हमने कहा जी हाँ करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। आजकल हमने उसको थोड़ा विकृत रूप दे दिया है कि कुछ लोग इस प्रकार के गाने सुनाते हैं कि गणपति को लगता होगा मेरे कान क्यों बड़े हैं पता नहीं, छोटे होने चाहिए थे ताकि ये सब नहीं सुनाई दिया पड़े। वास्तव में गणपति जो है वो विद्या की देवता के रूप में प्रसिद्ध है और विघ्नहर्ता है, हमारे विघ्नों को दूर करने वाले हैं। और वास्तव में कुछ वर्ष पूर्व हम बद्रीनाथ गए थे। बद्रीनाथ में दो गुफाएं हैं, एक है व्यास गुफा और दूसरी है गणेश गुफा। कि व्यास गुफा में व्यासदेव जी बता रहे थे, डिक्टेट कर रहे थे, और गणेश जी उन्होंने ये गीता लिखी है। तो मैंने उन्हें कहा कि गणेश जी ने जो ग्रंथ लिखा है उसका अध्ययन करके हम लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, गणेश चतुर्दशी। तो ये जो है वो उन्होंने दिया हुआ ये ग्रंथ है, इसलिए इसका हमें उनके मार्गदर्शन में अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि गणपति जी को व्यासदेव जी ने एक कंडीशन डाला था, समझने के बाद ही लिखने का, नहीं तो नहीं लिखने का। तो इसलिए महाभारत में ऐसे कई सारे कूट प्रश्न आ जाते हैं। और गणपति जी ने भी फिर वापस कंडीशन डाली उनको, व्यासदेव जी को, आप भी बिना रुके बोलने का मैं बिना रुके लिखना है तो आप भी बिना रुके बोलेंगे। तो व्यासदेव जी को कभी कभी सोचना पड़ता था कि आगे अभी मैं क्या बोलने वाला हूँ, लेकिन रुक जाएंगे तो समस्या हो जाएगी, इसलिए कूट प्रश्न डाल देते थे। वो एक ऐसा प्रश्न जिसको सोचने के लिए समय लगे, फिर गणपति सोच के उत्तर लिखते थे, तब तक व्यासदेव जी अगला सोच लेते थे। ऐसे एक महाभारत में 100,000 श्लोक है, उसमें से 800 कूट प्रश्न है। एक कूट प्रश्न मतलब पजल्स जिसे कहते हैं, रिडल्स जिसे कहते हैं। तो ये जो है ये गणपति द्वारा हमें मिला हुआ ये सबसे बड़ा उपहार है। और किसी भी ऑथर को आप पूछिए कि वो कब प्रसन्न होता है, जब उसके द्वारा लिखी गई किताब कोई पढ़ता है तो ऑथर प्रसन्न होता है, बराबर है कि नहीं? प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरी किताबों को पढ़ो ताकि प्रसन्न हो जाए प्रभुपाद, उनकी किताबों को बांटो। तो गणपति को यदि हमें प्रसन्न करना है वास्तविक रूप में, तो जब हम उनकी किताबों को पढ़ेंगे, उनकी किताबों को बांटेंगे, तब जाके उनका आशीर्वाद हमें जो है वो मिल सकता है। तो ये भगवद्गीता ग्रंथ ये उन्होंने हमें जो है वो दिया हुआ है। आप में से कितने लोगों ने गंगा में स्नान किया हुआ है, हाथ ऊपर करेंगे? गंगा में स्नान किया हुआ है लगभग सभी ने, आप लगभग सभी ने गंगा में स्नान किया हुआ है। तो गंगा पवित्र करने वाली नदी है, सही है? गंगा में हम लोग नहाते हैं और पवित्र हो जाते हैं। इसलिए शंकराचार्य इन्होंने गंगा के स्तोत्र, गंगा की स्तुति करते हुए शंकराचार्य लिखते हैं, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणी विमले मम मति रास्ताम तव पद कमले। क्यों लिखते हैं कि मेरी मति आपके चरणों में रहो हे गंगा माता, क्यों? क्योंकि वो क्या है, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, वो तीनों भुवनों को शुद्ध करने वाली है गंगा नदी, भूर्भुवस्वः, इन सबको वो शुद्ध करती है। क्यों गंगा में इतनी शक्ति आई है सबको शुद्ध करने की तीनों लोकों को? क्योंकि वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों से निस्सृत होती है, इसलिए वो त्रिभुवन को तारती है। तो कल्पना कीजिए, भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा यदि तीन भुवनों को शुद्ध कर सकती है, तो जो भगवान से मुख से निकली है वो कितना शुद्ध करेगी, है कि नहीं? भगवान के मुख से निकली है ये गीता। तो ये जो गीता है, आप सब मेरे पीछे एक श्लोक बोलिए, गीता महात्म्य में इसका वर्णन आता है, गीता सुगीता कर्तव्या किम् अन्यत् शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिःसृताः। क्या कहा गया है गीता महात्म्य में, गीता सुगीता कर्तव्याः किम अन्य शास्त्र विस्तार है। यदि आपके पास गीता है तो अनेक 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 विस्तार पूर्वक शास्त्रों की आपको क्या आवश्यकता है,
क्यों? या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रिताः, क्योंकि उनके मुख कमल से निकली हुई ये गीता है, तो भगवान के चरण कमल से निकलती हुई वो है गंगा, और भगवान के मुख कमल से जो निकल रही है वो है गीता। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, बोलो गंगा मैया की जय। तो हम लोग जो है वो इस प्रकार से माता बोलते हैं उनको, गंगा मैया की जय। आपने इतना आसान से बोल दिया, यदि मैं बोलो अमेजोन मैया की जय, नाइल मैया की, ये नदियाँ आपने सीखी होगी भूगोल में, गंगा से भी काफ़ी बड़ी नदियाँ हैं, लेकिन उनको कभी मैया नहीं बुलाया जाता, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं भारत माता की जय, इंडिया माता की, थोड़ा बोलने के लिए समस्या हो जाती है। तो ये जो है वो हमारी माता है, और हमारे वैदिक सभ्यता में ये कहा गया है कि हम लोग पृथ्वी को भी माता बोलते हैं। वैदिक सभ्यता में सात माताएं बताई गई है, सात माताएं, आत्मा माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी राज पत्नी का, धेनुर धात्री तथा पृथ्वी, सप्त एता मातर स्मृताः, ये हमारी माताएं हैं। तो पृथ्वी को भी हम लोग नमन करके सुबह का दिन प्रारंभ करते हैं, है कि नहीं? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। तो हम उन्हें माता करके, मैं आपके ऊपर अभी मेरे पैर रखने वाला हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा बोल के हम लोग चरण रखते हैं, पैर रखते हैं भूमि के, और फिर हमारा दिन प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो इन सबको माता बोलते हैं। तो आजकल एक वादंग आया था ना कि भारत बोलना चाहिए कि इंडिया बोलना चाहिए। तो एक्चुअली ये भारत नाम कितना पुराना है, सदियों से चलता आ रहा है। आप लोग पूजा करते हैं, गणपति बिठाते समय भी संकल्प किया जाता है, कोई भी पूजा करते तो सबसे पहले क्या होता है, संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेते समय क्या बोलते हैं, अद्यसि द्वितीय परार्धे, ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे, कलियुगे कली प्रथम चरण है, जम्बूद्वीपे भारत खंडे भारत वर्षे, तो वहां पर भारत नाम आता है। गीता में भी भारत का उल्लेख है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भगवान ने अर्जुन को भारत नाम से पुकारा है, क्योंकि भारत जो है वो भारत, भरत नाम से इस देश का, इस राष्ट्र का नाम भारत हुआ, और अर्जुन को भी उन्होंने भारत नाम से पुकारा। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं दूसरों को उपदेश देते हुए कहते हैं, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, कि भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है तो वहां पर भी भारत आता है। तो इस प्रकार से जो है, तो कोई कहता होगा कि नाम से क्या लेना देना है, लेकिन मैंने आपको नाम से लेना देना बताया ना कि गंगा मैया की जय होता है, लेकिन अमेजन मैया की जय, अमेजन मैया ये सुनने को भी विचित्र लगता है कि नहीं। एक्चुअली ये हमारे वैदिक सभ्यता में इसलिए ये माता और पुत्र का एक विशेष संबंध बोला जाता है, क्योंकि हम लोग इनको माता बोलते हैं, पृथ्वी हमारी माता है, धेनु गाय गा गो माता गो को भी हम लोग माता बोलते। तो माता बोलने से एक गहरा संबंध प्रस्थापित हो जाता है जो कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई क्रुद्ध हो जाता है तो गाली देना है तो पहले माँ से गाली करता है ताकि वो क्रुद्ध हो जाए, या फिर फिल्मों में आपने डायलॉग सुना होगा कि वो बोलते हैं कि अपनी माँ का दूध पिया होगा तो फिर वो क्षत्रिय खून खोलने लगता है। तो माँ का एक पुत्र के साथ एक ऐसा विशेष गहरा संबंध होता है। तो ये जब नाम हम लोग प्रयोग भी करते हैं, गंगा माता या भारत माता, तो ये माता और पुत्र का संबंध एस्टैब्लिश करता है एक्चुअली, और वो इतना गहरा संबंध होता है। तो ब्रिटिशर्स जब आए 18 सेंचुरी में, उन्होंने हमारे देश का नाम पहले चेंज कर दिया इंडिया, ताकि ये माँ और बेटे का थोड़ा सा रिश्ता कम हो जाए। और माँ और बेटे के रिश्ते के बारे में मुझे छोटा सा इंसिडेंस है। जनवरी फरवरी के महीने में हमारा ये समृद्धि स्कूल ऑफ लीडरशिप टीनेजर्स का एक हमारा पिकनिक लेके गए थे हम लोग विश्रामगढ़, घुटी के आगे टाकेत करके जगह है, वहाँ पर विश्रामगढ़ है, शिवाजी महाराज वहाँ पर विश्राम करने के लिए कुछ समय के लिए रुके थे, वो विश्रामगढ़ बड़ा प्रसिद्ध है। तो वहाँ से उतर रहे थे हम लोग, उतरते समय हम लोग सब लोग लगभग 40 लोग थे, 3-4 वॉलेंटियर्स थे और बाकी स्टूडेंट्स थे, टीनेजर्स थे। और आते समय हमारे घाट से उतर रहे थे, उतरते समय बस का एक्सीडेंट हो गया, बस पलटी हो गई हमारी, बस पलटी हो गई। भगवान की कृपा से किसी को कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत जख्म आई, कुछ बच्चों को हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया, मुझे थोड़ा बैक साइड में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था। तो ऐसे फिर हम लोग आ गए, और फिर मेरी माँ को ये पता चला था कि एक्सीडेंट हो गया है, फिर वो शाम को मुझे मिलने के लिए आई कि कैसा है तुझे ज़्यादा लगा, क्योंकि न्यूज़ में भी दिखाया जा रहा था, सब लोग पूछ रहे थे क्या हो गया क्या हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया। तो मेरी माँ मुझे बता रही थी, जब शाम को मुझे मिली
तो बोल रही थी कि मैं हमारा एक्सीडेंट लगभग दोपहर के उतर थे, मतलब हम सुबह जल्दी गए थे तो 11:30-12 बजे के बीच में हम लोग उतर रहे थे। तो मेरी माँ मुझे बोल रही थी कि मैं घर पर भगवद्गीता पढ़ रही थी और गीता पढ़ते पढ़ते अचानक से मेरे मन में एक प्रकाश आ गया कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है। और फिर वो बोली कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो गया। फिर कुछ समय बाद जब उसे पता चला तो उसको ये क्या बोलते ना कि द विजन बिकेम रियलिटी, वो दिखा था एक्चुअली। तो जो हम लोग कहते ना कि टेलीपैथी टाइप कनेक्शन, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्चुअली माता और बच्चे में ये इस प्रकार का कनेक्शन जो है वो डीप लेवल पे होता है। तो उसी प्रकार से गौ माता की बात करते हैं, भारत माता की बात करते हैं, या जो भी हम लोग शास्त्रों को हम लोग माता बोलते हैं, तो जब हम माता और बच्चे की बात करते हैं तो इतना गहरा कनेक्शन होता है। जब वो कनेक्शन टूट जाता है तब लोग उससे दूर हो जाते हैं और फिर उससे हट सकते हैं। इसलिए सनातन धर्म को उसके ऊपर कई सारे आक्रमण हुए। और आजकल हाल ही में कुछ दिन पहले एक बड़ा क्या कह सकते हैं मूर्ख व्यक्ति, उसने कहा कि जिस प्रकार से हमने संसार से मलेरिया और डेंगू को हटाया है उस प्रकार से सनातन धर्म को हटाना चाहिए। सुना होगा आप लोगों ने, इस प्रकार से हटाना चाहिए। मुझे कुछ बच्चों के मैसेज आए, बोले कुछ वीडियो बनाओ प्रभु जी, इसका उत्तर देना होगा। तो मैंने उत्तर दिया, मैं उत्तर दिया कि हाथी चलता है बाजार में, कुत्ते भोगते हैं हजारों में। तो ये तो चलते रहने वाला, क्योंकि उनको सनातन की डेफिनेशन ही पता नहीं है। सनातन क्या होता है? जिसका कोई आदि नहीं है और जिसका कोई अंत ही नहीं कर सकता, उसे कहते हैं सनातन। तो ये सनातन धर्म ये कोई बीमारी नहीं है जिसको दूर करना है, सनातन धर्म ये औषधि है जिसको बांटना है। ये औषधि है जिसको हमें जो है वो बांटते रहना है। इसलिए उन्होंने नस मेरी देखी और बीमार लिख दिया, रोग मैंने पूछा तो सनातन धर्म से प्रेम लिख दिया, कर्जदार रहेंगे हम जन्म भर उस वैद्य के जिसने दवा में हरि नाम लिख दिया। और श्रील प्रभुपाद जी ने इसी दवा को विश्व विश्व भर में फैलाया है 1966। आज अभी लोग देख रहे हैं बाहर छोटा सा काउंटर लगाया हुआ है विश्व हरिनाम सप्ताह। ये विश्व हरिनाम सप्ताह ये केवल पूरे विश्व में सब लोग भगवान का नाम का जप अधिक मात्रा में करने का प्रयास करते हैं, ये है विश्व हरिनाम सप्ताह। कुछ लोगों को लगा होगा, हमारे कुछ भक्त चर्चा कर रहे थे, कार्तिक में आना चाहिए था ताकि लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिल सकता था, तो ये अभी क्यों आया, 17 सितंबर से क्यों चालू होता है? एक्चुअली 17 सितंबर 1965 वो दिन था जिस समय प्रभुपाद जी ने विदेश में अपने चरण रखे थे, इसलिए 17 सितंबर से ये जो है वो शुरू होता है और ये 7 दिन तक चलता है। तो जब से श्रील प्रभुपाद जी ने उस धरती के ऊपर चरण रखे थे, यही सनातन धर्म की औषधि का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रभुपाद जी गए थे। लंदन में श्रील प्रभुपाद जी थे, एक बार एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछ लिया, आप यहां पर क्यों आए हैं, कुछ लेने आए हैं? प्रभुपाद जी ने कहा, जी नहीं, सब कुछ लूट लूट कर भारत का खजाना आप लेके गए थे, एक चीज लेके जाना भूल गए थे, भगवद्गीता, इसका होम डिलीवरी कराने आया हूं। तो गीता देने के लिए, तो ये गीता आज इस्कॉन की स्थापना को 55 साल हो गए हैं और लगभग 55 करोड़ भगवद गीताओं का वितरण हो चुका है। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम आज हम यहाँ पर बैठे विश्व हरिनाम सप्ताह मना रहे हैं और गीतामृत कार्यक्रम में अपने आप को जो है वो देख पा रहे हैं। तो ये विश्व हरिनाम सप्ताह चल रहा है, आप सब लोग इसमें सहभागी हो सकते हैं, जितना अधिक हो सके आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं और दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो बड़ा सुंदर ये चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि हम लोग नरिशमेंट पाने के लिए क्या करते हैं, दूध पीते हैं कि नहीं? दूध को पूर्णान्न कहा जाता है ना, पूर्णान्न। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास यदि आपको दूध मिल जाता है तो आपको दिन भर का जो भी चीजें आवश्यक है वो सब कुछ घटक तत्व आपके शरीर को पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो ये दूध का ग्लास, आप कहेंगे हम लोग गीता क्लास में आए, आप दूध का ग्लास क्यों बता रहे हैं? तो एक्चुअली गीता महात्म्य में वर्णन आता है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर्वोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये गीतामृत शब्द कहां से आया हुआ है? सर्व उपनिषदो गावो, सारे उपनिषद की तुलना एक गाय के समान की गई है।
सर्व उपनिषदो गावो। अभी गाय है तो दूध निकालने वाला चाहिए, दूध निकालने वाले कौन है? दुग्धा गोपाल नंदन, गोपाल नंदन ये दूध निकालने वाले है। और वत्स होना चाहिए, वत्स है तो ही गाय दूध देती है। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, कौन है? अर्जुन, पार्थ जो है वो दूध को ग्रहण करने वाला है। और जो दूध निकल रहा है वो दूध क्या है? दुग्धम गीतामृतम महत, ये महत बड़ा जो भगवत गीता रूपी जो ग्रंथ है वो गीतामृत है। तो जिस प्रकार से हम हमारे शरीर का पोषण करने के लिए दूध का पान करते हैं, इसलिए हमारा आध्यात्मिक पोषण करने के लिए हमें जो है वो गीतामृत का पान करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप हर बुधवार को यहाँ पर आते हैं, आपको एक भर भर के दूध का ग्लास दिया जा रहा है। और ये कौन सा दूध है? अमृत तुल्य, ओरिजिनल अमृत तुल्य। नहीं तो येवला जाते हुए समय कई सारे लिखते हैं आपको अमृत तुल्य है, वो चाय होती है। ये वास्तव में अमृत तुल्य नहीं, ये अमृत ही है, तुल्य कहाँ, तुल्य की आवश्यकता ही नहीं है, ये अमृत है। तो यहाँ पर हम लोग जो आ रहे हैं तो अमृत का पान कर रहे हैं, और हर कोई किसी व्यक्ति को इसकी आवश्यकता होती है, हर कोई इसका जो है वो पान करता है। हाल ही में हमारे इसरो के चेयरमैन सोमनाथन वो बता रहे थे, बड़ा वीडियो वायरल हो गया, आप लोगों ने भी देखा होगा। वो कहे कि व्हेन आई वांट टू एक्सप्लोर द आउटर स्पेस आई गो टू इसरो, एंड व्हेन आई वांट टू एक्सप्लोर द इनर स्पेस आई गो टू टेम्पल। मैं मंदिर में जाता हूं जब मुझे अंतरंग को ढूंढना होता है, और जब बहिरंग को ढूंढना होता है तो हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं चंद्रयान के रूप में। लेकिन दुर्दशा ऐसी है, एक बार मैं MBA के कॉलेज में इंडक्शन प्रोग्राम करने के लिए गया था, 150 बच्चे ऐसे बैठे हुए थे। मैंने एक प्रश्न पूछा कि गीता में कितने अध्याय है, एक बच्चे को आया नहीं गीता में कितने अध्याय बताने के लिए, ये तो दुर्दशा है। तो फिर मैंने कहा कि कम से कम आप लोगों को 18 अध्याय है गीता में, ये तो पता होना चाहिए। फिर मैंने उनको 18 अध्यायों के नाम भी गिनाए। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग, छठा अध्याय आत्मसंयम योग, सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, नौवां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग, दसवां अध्याय विभूति योग, ग्यारहवां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग, बारहवां अध्याय भक्ति योग, तेरहवां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, चौदहवां अध्याय गुणत्रय विभाग योग, पंद्रहवां अध्याय पुरुषोत्तम योग, सोलहवां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग, सत्रहवां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग, और अठारहवां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। तो कम से कम गीता के 18 अध्याय तो पता होने चाहिए कि 18 अध्याय और श्लोक कितने हैं? 700 श्लोक है गीता के। तो हर किसी व्यक्ति को, चाहे वो इसरो के वैज्ञानिक हम चर्चा कर रहे थे, मैंने फिर उन बच्चों को एक स्टोरी सुनाई, स्टोरी नहीं वास्तविक घटना। 1979 में एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति त्रिवेंद्रम में दक्षिण भारत में समंदर के किनारे पर बैठ के भगवद्गीता पढ़ रहे थे। वहां पर एक तरुण, मैंने उनको उदाहरण दिया, आप जैसा एक तरुण वहां पर आया और उनको बोलने लगा, आप जैसे व्यक्ति ये पुरानी भगवत गीता पढ़ते रहते हैं, इसलिए भारत देश का आज विकास नहीं हो रहा है। वो बुजुर्ग शांत बैठे, वो बुजुर्ग पढ़ते ही रहे, गीता पढ़ रहे थे। ये व्यक्ति बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बुजुर्ग शांत है। बुजुर्ग शांत के जितना उनका पेज चल रहा था वो उन्होंने बंद कर दिया, और फिर पूछा, भाई तू कहां से आया, कौन है? मैं कलकत्ता से आया हूँ, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, वो बिल्डिंग देख रहे हैं? तो उन्होंने उस दिशा में देखा, वो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहां पर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आया हूँ कलकत्ता से, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है। बुजुर्ग जी ने भगवद गीता ली, अपनी थैली में डाली, वहां पर बैठे थे, आसन उठाया और चलने लगे, चलने लगे। जैसे ही चल के आगे चले गए, लाल दिए की गाड़ी वहां पर आई, दो कमांडोज बाहर निकले, सैल्यूट करते हैं सर को, सर कहाँ जाना है? अभी वो यंग विद्यार्थी विज्ञान का, उसके अंदर ट्यूब जलने लगी थोड़ी, मैं किसके साथ बात करता हूँ? एक्सक्यूज मी सर, यस, बाय द वे आप है कौन? वो जो बिल्डिंग देख रहे हो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसका चेयरमैन डॉक्टर विक्रम साराभाई हूँ मैं। ऐसा बोल रहे थे वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गए थे, उनके अंडर हजारों लोग PhD कर चुके थे अब तक, और इसरो के पहले चेयरमैन रह चुके हैं, और उस समय के तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी थे, 13 ऑर्गेनाइजेशंस के चेयरमैन बना के रखा था, और भगवद गीता पढ़ रहे थे समंदर के किनारे में
बैठकर वो बोल रहे थे कि भगवद गीता हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए अपने जीवन की यदि उन्नति करनी है। तो इस प्रकार से जो है वो हम सब लोग हर बुधवार को यहाँ पर एकत्रित होकर जो गीता पढ़ रहे हैं, गीता को सुन रहे हैं, ऐसा मत समझिए कि हम कुछ बड़ा कार्य नहीं कर रहे, हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि गीता का एक एक अक्षर जो है वो हमें मोक्ष दिलाने के लिए काबिल है, सक्षम है। इसलिए गीता महात्म्य में कहा गया है कि पादस्याप्यर्ध पादम वा श्लोकम श्लोकार्धमेव वा नित्यम धारयते यस्तु स्वमोक्षम अधिगच्छति। पादस्य, कोई यदि एक श्लोक भी गीता का पढ़ता है, एक श्लोक नहीं पढ़ते तो आधा श्लोक नहीं पढ़ सकते तो एक पाद नहीं तो आधा पाद भी यदि कोई व्यक्ति अपने कंठ में धारण करता है उस व्यक्ति को मोक्ष गारंटीड मिलता है, ये गीता महात्म्य में कहा गया है। इसलिए गीता के श्लोकों का पठन जो है वो हमेशा हमें करते रहना चाहिए। इसलिए हमारा आज का विषय हमने चुना हुआ है चतुर्श्लोकी गीता। आप कहेंगे 700 श्लोक गीता के आपने ही बताया, ये चतुर्श्लोकी गीता क्या है? तो कई बार हमें जो है वो बड़ा करने का समय नहीं होता है ना, 50 ओवर्स की क्रिकेट मैच, टेस्ट मैच, 50 इसके 50 इसके, 100 ओवर्स के मैच देखने के लिए समय नहीं होता है, इसलिए उसको कम करके प्रेजेंट किया जाता है ना, T20। और भारत वो कप भी लेके आया है हाल ही में शायद से, है एशिया कप कुछ चल रहा था, तो T20, ताकि कम समय में खूब आपको वही आनंद मिल जाए। उसी प्रकार से 700 श्लोक है गीता के, लेकिन उनका निचोड़ या उनका सार जो है वो केवल कुछ 4 श्लोकों में दिया गया है, इसलिए उसे उसका नाम हो गया चतुर्श्लोकी गीता। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ये भगवद गीता का 10th अध्याय जिसका शीर्षक है विभूति योग, इसमें ये 4 श्लोक 8, 9, 10 और 11 यहाँ पर चतुर्श्लोकी गीता पाई जाती है। और वास्तव में गीता यहाँ पर समाप्त हो जाती है, गीता समाप्त हो गई थी यहाँ पर। 8, 9, 10, 11 श्लोक भगवान बोल देते हैं, तुरंत 12वें श्लोक में अर्जुन बोलते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, के भगवान आप जो है वो परम ब्रह्म है, परम धाम है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, और ये केवल मैं ही नहीं बोल रहा हूं, आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर् नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रविषि मे, असित देवल व्यास ये सब लोग ऋषिगण कहते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, और आप जो बोले हुए हैं सर्वमेतद्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर देवान दानवाः, आप जो भी बोले हुए हैं उस सब को मैं सत्य करके स्वीकार कर लेता हूं। इसका अर्थ अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि भगवान ने जो बोला है सर्वम एतद्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव, आप जो बोल रहे उसको मैं सबको सत्य मानता हूं। तो एक्चुअली रुक जाना चाहते, भगवान रुक गए थे, अर्जुन बोल रहे थे आप जो बोलेंगे वो मैं सत्य मान रहा हूं, लेकिन अर्जुन के मन में और इच्छा जागृत हुई कि वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्म विभूतय याभिर्विभूति भिर्लोकान इमां स्वं व्याप्यतिष्ठसि कथम विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिंतयन केशु केशु च भावेशु चिंत्योसि भगवन मया, किस किस भाव में मैं आपका स्मरण करूं ये मुझे बताइए, क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, विस्तरेणात्मनोयोगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम, मेरी तृप्ति नहीं हो रही, मैं जितना सुनते जा रहा हूँ मुझे और अधिक सुनने की अभिलाषा हो रही है, इसलिए और बताते जाइए। इसलिए भगवान ने अपनी सारी विभूतियों को बता दिया 10वें अध्याय में, वो हो गया विभूति योग। अर्जुन के मन में फिर आगे चल के प्रश्न उपस्थित हो गया, आप फिर ये सब जगह आपका चिंतन किया जा सकता है क्या, ऐसा कोई रूप भी आपका वो मुझे देखने की अभिलाषा है। फिर 11वें भगवान अध्याय में विश्वरूप दिखा दिया, विश्वरूप देख लिया, अर्जुन के मन में वापस प्रश्न आ गया, ये तो अव्यक्त रूप हो गया, और कुछ लोग व्यक्त मूर्त रूप की उपासना करते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम परियुपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाहा, कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, जो अव्यक्त की उपासना करता है जो व्यक्त की उपासना करता है, 12वें अध्याय का पहला श्लोक है, इसलिए 12वां अध्याय भगवान ने बोल दिया। 13वें अध्याय में भी अर्जुन को प्रश्न आ गया कि मुझे प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है उसको जानना है, वो बता दिया। फिर 14वें अध्याय में वही कंटिन्यू करते, भगवान अर्जुन को 3 गुणों से परे जाने का
रास्ता क्या है वो प्रश्न आ गया, उसको उत्तर दे दिया। 15वें 16वें श्लोक भगवान बोलते गए, अर्जुन उवाच है ही नहीं उसमें, केवल भगवान उवाच है, हो गया। 17वें अध्याय में फिर वो तीन गुणों का बराया था भगवान ने, क्योंकि श्रद्धा किस व्यक्ति की तीन गुणों में हो सकती है, फिर श्रद्धा 17वां अध्याय बोल दिया। अर्जुन को लगा अरे मैं 10वें अध्याय में एंड कर चुका था, आप जो बोलेंगे वो मैं सत्य मान रहा था। अर्जुन को वापस प्रश्न हो गया, जो 3रे अध्याय में प्रश्न पूछा था या 5वें अध्याय में जो प्रश्न पूछा था वही वापस से, संन्यास और कर्म इसमें अंतर क्या है एक्चुअली, पहले जो बोल रहा था दो तो पहले ही प्रश्न का उत्तर दिया था, वापस उसी के ऊपर आते हैं और 18वें अध्याय में उसका एंड कर देते हैं भगवान। फिर आखिर में भगवान अर्जुन बोलते हैं कि भाई करिष्ये वचनम तव, आप जो बोलते हो मैं कर लेता हूँ, ज़्यादा अभी हो गया है, तृप्ति हो गया, अभी अभी लड़ाई करने का टाइम आ गया है। तो वास्तव में कहने का अर्थ यह है कि ये 11वें श्लोक में एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गीता समाप्त हो चुकी थी, भाई अर्जुन के प्रश्नों को भगवान आगे चल के उत्तर देते। अभी अर्जुन के प्रश्न अर्जुन के लिए नहीं थे, दूसरों लोगों के लिए अर्जुन ने जो है वो पूछ रखे थे। तो हम लोग शुरू करते हैं चतुर्श्लोकी गीता के 4 श्लोकों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला श्लोक प्रारंभ करते हैं 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। तो हम लोग जो श्लोक लेंगे उसको हम लोग एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, उसका अनुवाद देखने का प्रयास करेंगे, उसमें अलग अलग आचार्यों की टीकाएं दी गई है उससे उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, और प्रैक्टिकल हमारे जीवन में इस श्लोक को हम लोग आज 21वीं सदी में कैसे लागू कर सकते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो और ये विनती रहेगी कि आप, क्योंकि मैं बड़ा प्रवचन करता नहीं हूँ लेकिन मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक है तो गृहपाठ देते रहता हूँ होमवर्क करने के लिए, इस श्लोक को आप लोग कंठस्थ करेंगे। तो गीता की चतुर्श्लोकी गीता 4 श्लोकों में संपूर्ण गीता मिल जाएगी आपको। बोले गीता पढ़ी हुई है? जी हाँ पढ़ी हुई है। मुझे एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा आपने कितनी बार गीता पढ़ी है, मैंने कहा 1000 बार पढ़ने के बाद गिनती करना छोड़ दिया है। तो 4 श्लोकों में आप पूर्ण गीता का रिविजन जो है वो कर सकते हैं। तो ये 4 श्लोक है, पहला श्लोक है, इसका हम लोग देखेंगे सर्वप्रथम पद विभाग और संधि। कुछ लोगों को श्लोकों का उच्चारण करने में तकलीफ होती है क्योंकि संधि युक्त शब्द होते हैं, कुछ कुछ एक 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 पंक्ति पूरा आते इतना बड़ा शब्द होता है, तो उसको जब विच्छेदन करके समझते हैं तो बड़ा आसान होता है। मेरे पीछे बोलिए अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः। तो प्रभव के बाद विसर्ग आपको दिखता है तो वो विसर्ग का लोप ओत में परिवर्तन हो जाता है और वो प्रभवो बन जाता है। सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधाः भाव समन्विताः। तो यहाँ पर बुधा के बाद भी एक विसर्ग दिया गया है, उसका लोप हो जाता है पाणिनीय के नियम के अनुसार जो है वो उसका लोप होता है, इसलिए बुधा भाव समन्विता श्लोक में आपको विसर्ग नहीं दिखेगा। अभी हम इसके अन्वय के ऊपर चर्चा करते हैं। अन्वय का अर्थ होता है, क्योंकि ये संस्कृत के श्लोक काव्य के रूप में दिए गए है, संस्कृत में आप अहम ग्रामम गच्छामि बोलो या ग्रामम अहम गच्छामि एक ही आता है, तो क्योंकि काव्य के रूप में है तो शब्द यहाँ वहाँ रहते हैं, उनको एकत्रित आके उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे तो बड़ा अच्छे से समझ में आता है, उसे कहते हैं अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है कि जो समान विभक्ति वाले शब्द होते हैं उनको एकत्रित किया जाता है और उससे श्लोक का अर्थ लगाने का प्रयास किया जाता है। तो सर्वप्रथम है अहम सर्वस्य प्रभवः। अहम का अर्थ क्या है? अहम बोलिए, मैं चिंता क्यों कर रहे हैं। अहम का अर्थ है मैं, सर्वस्य सबका, प्रभव, प्रभव का अर्थ क्या है? प्रभव का अर्थ होता है कि सृजन करता, मुझसे सब कुछ आता है। अहम सर्वस्य प्रभव, इसका अर्थ क्या है? मैं सभी का स्रोत हूं, सब कुछ मुझसे आता है। और मत्तः, मत्तः का अर्थ है मुझसे, वापस सर्वम, सर्वम का अर्थ क्या है? सब कुछ। प्रवर्तते, प्रवर्तन, प्रवर्तते का अर्थ कहते हैं कि चलायमान होता है, चलता है, सब कुछ मुझसे आता है, सब कुछ मुझसे चलता है, आया समझ में? और इति मत्वा, इसको मानकर,
ऐसा जो मानता है बुधाहा, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति भाव समन्विताहा, बड़े प्रेममय भाव के साथ माम भजन्ते, मेरा भजन करता है। श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद देखते हैं। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो यह है इस श्लोक का अनुवाद जो कि श्रील प्रभुपाद जी द्वारा दिया गया है। तो अभी हम लोग एक एक करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम है अहम सर्वस्य प्रभवः। क्या है इसका अर्थ? मैं संसार मात्र का मूल कारण हूं। प्रभव का अर्थ क्या है? मूल कारण, रूट कॉज कहते ना, रूट कॉज। तो जो भी संसार में हमें जड़ चेतन स्थावर जंगम जो कुछ दिख रहा है, उन सबका रूट कॉज मूल कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में वर्णन करते हुए कहे हैं, बोलिए मेरे पीछे, ईश्वर परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण कारणम। ईश्वर कौन है? ईश्वर परमः कृष्ण, परम ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण, जिनका विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। और हम समृद्धि स्कूल ऑफ लीडरशिप चलाते हैं संडे के दिन टीनेजर्स के लिए, तो कई सारे विजिटर्स भी आके बैठ जाते हैं। तो एक बार एक लड़की आके हमारा सेशन सुने, उसके पश्चात बाहर आके मुझसे प्रश्न पूछती है, भगवान ने सबको बनाया मैं मानती हूँ, फिर भगवान को किसने बनाया? ये प्रश्न आता है ना हमेशा हमारे मन में, प्रश्न आता है। तो मैंने कहा कि मैंने उत्तर दिया, वो विज्ञान की विद्यार्थी थी तो इसलिए प्रश्न विज्ञान के विद्यार्थियों के मन में ज़्यादा आता रहता है। तो मैंने कहा कि हु मेड सर्कल सर्क्यूलर, हैव यू सीन ट्रायंगुलर सर्कल, त्रिकोणी गोल आप कभी देख सकते हैं? जी नहीं। सर्कल का डेफिनेशन ही है वो सर्कल होता है। तो उस प्रकार से मैंने कहा भगवान का डेफिनेशन ब्रह्मा जी बोलते हैं अनादि, ये उनका डेफिनेशन है कि उनका कोई आदि नहीं है, दिस इज डेफिनेशन। वो अनादि है और आदि मतलब सभी का आदि है, सभी के आदि है। और इसलिए आखिर पंक्ति में कहते हैं सर्व कारण कारणम, इस संसार में जितने सारे कारण हैं उन कारणों के भी बड़े कारण हैं। तो इसलिए संसार में जो भी कुछ देखते हैं हम लोग ना, उसके पीछे तीन कारण होते हैं। किसी भी चीज को जब हम देखते हैं, कोई घटना है, कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे तीन कारण होते हैं। एक इमीडिएट कॉज, दूसरा है रिमोट कॉज, तीसरा होता है एब्सोल्यूट कॉज। कल्पना कीजिए मुझे डेंगू हो गया, आजकल डेंगू की साथ बड़ी चल रही है, तो डेंगू हो गया तो इमीडिएट कॉज क्या होगा? इमीडिएट कॉज मच्छर काटा है, मच्छर काटा इसलिए डेंगू हो गया। तो यह है इमीडिएट कॉज, मच्छर ने काट लिया। लेकिन मैं जप्पा सर्कल में 10 लोगों के साथ बैठता हूं, मुझे अकेले को हुआ, बाकी 9 को नहीं हुआ, मेरी इम्यूनिटी कम होगी। तो मेरी इम्यूनिटी क्यों कम है? मेरा कुछ शरीर का जड़न घड़न बना हुआ है, मतलब मेरे कुछ कर्म होंगे ऐसे जिसकी वजह से मुझे ऐसा शरीर मिला हुआ है, जिसकी वजह से मेरी रोग प्रतिकार क्षमता कम है, जिसकी वजह से मुझे डेंगू हुआ है। तो कर्म ये है रिमोट कॉज, इमीडिएट कॉज क्या हो गया? मच्छर। कर्म हो गया रिमोट कॉज। और ये कर्म का सिद्धांत चलाने वाला उसके पीछे कोई है ना? अपने आप थोड़ी हो रहा है कर्म का सिद्धांत। कर्म के पीछे चलाने वाला कोई है जो देख रहा है कि कर्म किसका, कर्म कब किसको कब कैसे मिलेगा, तो वो हो गया एब्सोल्यूट कॉज। जैसे हम लोग दूध पीते हैं, दूध कहां से आता है? गाय से आता है, ये हो गया इमीडिएट कॉज। गाय को दूध, गाय दूध कैसे देती है? वो कुछ खाती है, क्या खाती है? चारा खाती है। चारा कैसे उगता है? कैसे उगेगा? जमीन में उगेगा, वर्षा होगी तो उगेगा, बराबर है ना? वर्षा होगी तो चारा उगेगा। वर्षा कैसे होती है? किसकी वजह से होती है? बादलों की वजह से वर्षा होती है। बादल कैसे बनते हैं?
समुद्र का जल का बाष्पीभवन हो जाता है, इसलिए बादल बनते हैं। वो बाष्पीभवन कौन कराता है? सूर्य कराता है। सूर्य किसकी आज्ञा से चलता है? यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेश तेजा यस्य आज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जिनकी आज्ञा से ये सूरज चलता है उन गोविंदों को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। वो हो गया एब्सोल्यूट कॉज। तो दूध गाय दे रही है, ये हो गया इमीडिएट कॉज। वर्षा की वजह से घास उग रहा है, ये हो गया रिमोट कॉज। और सूर्य को भगवान चला रहे हैं, वो हो गया एब्सोल्यूट कॉज। हम आपकी रोजमर्रा की भाषा में कहेंगे तो इमीडिएट कॉज का अर्थ होता है रिटेलर, रिमोट कॉज का अर्थ होता है होलसेलर, और एब्सोल्यूट कॉज का अर्थ होता है मैन्युफैक्चरर। तो ऐसे तीन जगह से होके जब घूम के आता है, तो हमें जो है वो किसी भी चीज का जब हम कारण मीमांसा करते हैं तो एब्सोल्यूट कॉज के ऊपर हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि ये कौन करा रहा है। और भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः। सब कुछ किससे आता है? भगवान से आता है। अभी मैं दो तीन उपनिषदों में इसका प्रमाण आपको दूंगा कि गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश गापयति स्म कृष्णः। इसमें कहा गया है कि यो का अर्थ है जिसने, किसने, जिस व्यक्ति ने पूर्वम, पूर्व में वेदांश गापयति, जिसने वेद दिया, किसको, ब्रह्मांडम, ब्रह्मा को जिस व्यक्ति ने पूर्व में वेद दिया था वो कौन है? स्म कृष्णः। तो ब्रह्मा जी को वेद किसने पढ़ाए? उन कृष्ण ने पढ़ाए। तो कृष्ण आदि पुरुष, उनसे सब कुछ आता है। यह हो गया श्रुति का प्रमाण। त्रिपाद विभूति उपनिषद में इस प्रकार से बताया गया है कि नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् प्रजापति ही प्रजायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् अष्टौ वसवो जायन्ते, नारायणात् एकादश रुद्रा जायन्ते, नारायणात् द्वादश आदित्याः। समझ में आया आपको? द्वादश आदित्य, बारह आदित्य है, अष्टवसु है, नारायण से ही सब कुछ सृष्टि का जो है वो निर्माण हो रहा है। और एक आखिरी महाउपनिषद में कहा गया है, एको वै नारायणासीन न ब्रह्मा न ईशानो नापि नाग्नौ समौ नेमे द्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्यः। यह महाउपनिषद में दिया गया है कि एको वही शुरू में, सृष्टि के प्रारंभ में एको वही नारायण आसीत, केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा, ब्रह्मा भी नहीं थे, न ईशानो, शिवजी भी नहीं थे, पृथ्वी भी नहीं थी, नक्षत्र नहीं थे, सूर्य नहीं था, कुछ नहीं था। शुरुआत में, सृष्टि के प्रारंभ में कौन थे? एको वही नारायण आसीन। तो ये इतने उपनिषदों का रेफरेंस, एक्चुअली ये सारे उपनिषद ये शिल प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में दिए हुए, वहां से मैं उठा के आपके सामने केवल दिया हूं। तो ये दसवें अध्याय का आठवां श्लोक, इसके तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी ने ये सारे श्लोक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए हैं कि सब कुछ जो है वो भगवान से आता है। इसलिए सारे देवता भगवान को प्रार्थना करते हैं। इसलिए एक बार मैं रूम में बैठ के श्रीमद् भागवत पढ़ रहा था, और हमारे बगल में खैरनार जी रहते हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हो गए। उनके लड़की की शादी थी, और कुछ उन्होंने मंगलाष्टक इस प्रकार से वो बजा रहे थे, चल रहा था, एक श्लोक मेरे कान में आ गया। मंगल कार्य करते समय तो कुछ श्लोक गाए जाते हैं ना, तो एक श्लोक मेरे कान में ऐसे आ गया, यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदै सांग पद क्रमोपनिषदैः गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदुसुरा सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। आपने शादी में गए होंगे ना, तो मंगलाष्टक में कभी कभी यह श्लोक गाया जाता है, केवल उसकी धुन अलग होती है। तो यह श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद का 13वें अध्याय का पहला श्लोक है। यम ब्रह्मा रुद्र इंद्र वरुण ये सब जो है वो गायन्ति यम सामगाहा, भगवान के गुण गाते हैं, इस प्रकार से कहा गया है। तो ये सारे देवी देवता जो है वो भगवान के गुण गाते हैं। और ट्रांसलेशन में, अनुवाद में आपने अहम सर्वस्य प्रभव देखा होगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, सारे भौतिक और सारे आध्यात्मिक वस्तुओं का मैं स्रोत हूं, ऐसा भगवान बोले हैं। तो इसका भी प्रमाण गीता से हम लोग देख सकते हैं कि सारी भौतिक वस्तुएं भगवान से आती है। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कहे, भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा।
मैं, ये मेरी आठ प्रकृतियां हैं। तो पंचमहाभूत पहले भूमि रापो अनलो वायु खम और मनो बुद्धि अहंकार, ये जो है वो आठ प्रकृतियां भगवान कहते हैं मेरी है। तो ये हो गया भगवान की अपरा प्रकृति जो भौतिक तत्व है, और अगले श्लोक में आध्यात्मिक तत्व के भी बारे में बताते हैं कि अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत की अपरा इयम। अभी मैंने ये बताया आठ चीजें तो अपरा है, इतस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम, इससे परा कोई वस्तु है, कौन है वो? जीव भूताम महाव, वो जीव तत्व जो आध्यात्मिक स्फुल्लिंग हम सब आत्माएं, वो भगवान के अंश है। मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, 15 अध्याय के 7वें श्लोक में भी उसको उद्धृत करते हैं भगवान कि हम सब भगवान के अंश है। तो आध्यात्मिक वस्तुओं के भी स्रोत भगवान हो गए, भौतिक वस्तुओं को भी स्रोत भगवान हो गए, इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय, समझ में आ गया होगा आपको, मुझसे श्रेष्ठ किंचित भी दूसरी वस्तु नहीं है। इसलिए अर्जुन 11वें अध्याय में भगवान को प्रार्थना बोलते हैं कि नत्वत समोस्त्य भिदिको कुतुन्य, आपके समान भी कोई नहीं है आपसे अधिक, तो भूल जाओ, आपके समान भी कोई नहीं हो सकता आपसे अधिक, कहां से जो है वो प्राप्त हो सकता है। तो ये है, हमें समझना चाहिए कि सारे आध्यात्मिक वस्तुओं के स्रोत भगवान है, सारे भौतिक वस्तुओं के स्रोत भगवान है। श्रीमद् भागवत में अलग अलग अवतारों की सूची दी गई है और अवतारों के अंत में लिखा गया है एते च अंश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सारे भगवान के एक अंश और कला विस्तारों के विस्तार है, लेकिन स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण है। इसलिए हम लोग दशावतार भी देखते हैं, है कि नहीं? दशावतार तो जयदेव गोस्वामी, इन्होंने दशावतार की रचना की है, दशावतार स्तोत्र। और दशावतार स्तोत्र के आखिरी में वो क्या लिखते हैं? वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्भीयते दैत्यम दार्यते बलिम छलयते क्षत्रक्षयम कुर्वते पौलत्यम जयते हलम कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। पूरे दशावतार की लीलाओं का वर्णन कर दिया है उन्होंने, और ये सीक्वेंस में ये फोटो मुझे मिल गई। वेदानुद्धरते, वेदों का उद्धार किया था किसने? मत्स्य अवतार ने। वेदानुद्धरते जगन्निवहते, जग को अपने जगत के भार को अपने पीठ के ऊपर धारण कर लिया था वो कूर्म अवतार। भूगोलम उद्भ्रियते, पृथ्वी गोल को वराह के रूप में उन्होंने ऊपर उठा लिया था। दैत्यम धारयते, नरसिंहदेव ने कौन से दैत्य का? हिरण्यकशिपु का उद्धार किया था। बलिम छलयते, बलि को किसने छलपूर्वक करके जमीन हरण करते? वामन देव। क्षत्रक्षयम कुर्वते, ऐसे क्षत्रियों को सब हटा दिया था पृथ्वी से 21 बार, वो है परशुराम। पौलस्यम जयत जल जयते, पौलस्य रावण का वध किसने किया था? प्रभु श्री राम। हलम कलयते, हल किसने धारण किया था? बलराम जी ने। कारुण्य मातन्वते, करुणामय अवतार कौन थे भगवान के? बुद्ध अवतार। और आखिर में बताया गया म्लेच्छम मूर्छयते, म्लेच्छों का सब यवनों का खात्मा करेंगे वो कल्कि, जो कि अभी आने वाले हैं अंत में, कलि के अंत में आने वाले हैं। ऐसा पूरा दशावतार का वर्णन करने के बाद दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः, दशावतार को गिना दिया और उसके बाद बोलते हैं कि ऐसे कृष्ण जिनसे यह सब कुछ आ रहे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये है भगवान श्री कृष्ण जिनसे सारे अवतार भी जो है वो आते हैं। अगला शब्द है श्लोक का मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है, चलायमान हो रहा है, भगवान की वजह से सारी सृष्टि चल रही है। तो सृष्टि में होने वाली जितनी सारी घटनाएं हैं, उत्पत्ति स्थिति प्रलय पालन संरक्षण, ये सब जो कार्य हो रहे हैं वो भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा है, सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं देते हैं। हम लोग तीन स्तर पर इसके प्रमाण देखेंगे, कॉस्मोलॉजिकल लेवल, फिजियोलॉजिकल लेवल, और सर्वप्रथम है कॉस्मोलॉजिकल लेवल, मतलब ग्रहों की स्थिति में भगवान कैसे चलायमान रख रहे हैं।
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। हम लोग सब सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं। आदित्यगतं तेजो, जो तेज सूर्य को प्राप्त हुआ है वो कहाँ से आया है? तत्तेजो विद्धि मामकम्, भगवान बोल रहे वो मुझसे आ रहा है। यच्चन्द्रमसि यच्च अग्नौ, चंद्रमा का जो तेज है वो मुझसे आ रहा है। अग्नि का जो तेज है वो किससे आ रहा है? मुझसे आ रहा है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। ये हो गया कॉस्मोलॉजिकल लेवल, वो चलाने के पीछे भगवान का हाथ है। दूसरा है टेरिस्टेरियल लेवल, मतलब इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर सब चला रहे भगवान। गामा विश्वच भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। कि भगवान कहते हैं कि गामा विश्वच भूतानि, सारे आप कभी देखेंगे नहीं कि पृथ्वी मंगल से टकरा गया, एक्सीडेंट हो गया, तो पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, सूरज घूम रहा है, सब सारे ग्रह बिल्कुल विदाउट एक्सीडेंट, सब सिस्टमैटिकली। सूरज की भी कक्षा है, सूरज पृथ्वी के बीच में एग्जैक्ट अंतर है, एक मिलीमीटर भी सूरज और पृथ्वी एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो पृथ्वी जल जाएगी, एक मिलीमीटर दूर हो जाएंगे तो सारा फ्रीज बर्फ बन जाएगा। एक मिलीमीटर की बात कर रहे हैं, इतना वो एग्जैक्ट डिस्टेंस किसने बना के रखा है? भगवान बोलते हैं कि धारयामि अहम ओजसा, वो मेरे ओज से, मेरे प्रकाश से हो रहा है। और सोमो भूत्वा रसात्मक, मैं चंद्रमा बन के प्रकाशित करता हूँ। इसलिए वनस्पति जो है, वनस्पति में हम लोगों को केवल विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि वी नीड फोटोसिंथेसिस। सुना है आपने, हरित रंग के वृक्ष होते हैं, वो दोपहर के समय सूर्य प्रकाश लेके अपना भोजन बना देते हैं, लेकिन एक्चुअली उनमें जो रस होता है वो रात के चंद्रमा के प्रकाश से उत्पन्न होता है। और भगवान कहते हैं कि वो रस मैं हूँ, सोमो भूत्वा रसात्मक। और फिजियोलॉजिकल लेवल, कॉस्मोलॉजिकल लेवल देख लिया, टेरेस्ट्रियल लेवल देख लिया, और फिजियोलॉजिकल लेवल, यदि हमारा स्वयं का शरीर पर भी हमारा नियंत्रण नहीं होता है। हम आज प्रोग्राम के बाद फिस्ट खा लेंगे, आपको कुछ बटन दबाना होगा, डाइजेस्ट करो, वो डाइजेस्ट कौन करेगा? भगवान बोलते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। ये जो आप अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं उसका जठराग्नि बनके मैं उसका जो है वो पोषण कराता हूँ, मैं उसको पचाता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं बनता हूँ वो वैश्वानर अग्नि, और आप जो खा रहे हैं उसका मैं पचन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देखे कि अहम सर्वस्य प्रभव और मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो सर्व शब्द दो बार आया है, उसको येलो कलर में हमने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये दो बार क्यों आया है? तो पहले अहम सर्वस्य प्रभाव का अर्थ है कि भगवान उत्पादक है, और मत्तः सर्वम प्रवर्तते का अर्थ है कि भगवान संचालक है। तो ये दो बार इसलिए दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा न कोई उत्पादक है न कोई संचालक है, वो केवल एकमात्र उनकी वजह से सृष्टि चल रही है, इसलिए दो बार इसका वर्णन किया गया है। और जो ये व्यक्ति जान लेता है इति मत्वा, इस प्रकार मानकर। अभी गीता में हर एक शब्द जो है वो बड़ा वैज्ञानिक ढंग से भगवान ने प्रयोग किया हुआ है। इति ज्ञातवा नहीं कहा है, ज्ञातवा भी बोल सकते ना, ऐसा जानकर भगवान ने क्या कहा है? इति मत्वा, मत्वा का अर्थ है इस प्रकार मानकर। तो मेरे पास एक किताब है, गीता धातु रूपावली ही, गीता में जो शब्द है उनके मूल धातुओं को उन्होंने प्रस्तुत करके दिया हुआ है, और व्याकरण के दृष्टिकोण से समझाया है कि उस शब्द का प्रयोग भगवान ने क्यों किया है। तो ये मन धातु से शब्द आता है, आप सब लोग मनन शब्द सुने हैं, मनन चिंतन, तो चिंतन मनन, ये मनन शब्द मन धातु से आता है, उससे त्वा प्रत्यय लगा के ये मत्वा बनता है। इसका अर्थ है कि जान बूझ कर, शिल प्रभुपाद जी इसलिए अनुवाद किए, भली भांति समझ कर। तो दो शब्द होते हैं, एक है जानना और एक होता है मानना। इसमें अंतर क्या है? तो ये है जानना बुद्धि के द्वारा, और ये है मानना हृदय से मानना। तो मत्वा कहने का अर्थ है, भगवान बोल रहे हैं कि जानते तो बहुत लोग हैं, गीता श्रेष्ठ है, सब कुछ भगवान से आता है, भगवान की इच्छा से पत्ता भी नहीं हिलता, सब लोग जानते हैं, हृदय से मानते कितने लोग इस चीज को। तो भगवान बोलते हैं इस प्रकार मानकर, क्या मानकर? कि इस प्रकार जो हमने पिछला स्लाइड देखा कि भगवान उत्पादक है और संचालक है, जो
बद्ध जीव इसको नहीं मानता है कि सब कुछ भगवान से आ रहा है, इस चीज को नहीं मानता है। सब कुछ भगवान से आ रहा है तो सब कुछ भगवान का ही हो गया, तो सब कुछ भगवान का है इस चीज को नहीं मानता है तो कुछ मेरा भी है ऐसा मान लेता है। इसलिए उसके अंदर भोक्तृत्व का भाव आ जाता है कि मैं इसका भोक्ता हूं। और जब वो मत्तः सर्वम प्रवर्ते, भगवान ही सब कुछ चला रहे हैं, कर रहे हैं, इसको जब नहीं मानता है तो उसके अंदर कर्तृत्व का भाव आ जाता है। और ये भोक्तृत्व और कर्तृत्व बद्ध जीव को और बड़े बंधन में डाल देते हैं। तो जब हम समझ लेंगे कि मैं चीजों का भोक्ता और चीजों का कर्ता नहीं हूं, भगवान सब कुछ चला रहे हैं और उनके लिए सब कुछ है ये सृष्टि, तब जाके उस व्यक्ति का मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है, नहीं तो वो बंधन में अटका रहेगा। तो जो व्यक्ति मान लेता है वो क्या करेगा? इति मत्वा भगवान बोलते हैं, बुधाहा भाव समन्विताहा माम भजन्ते। बुधाहा का अर्थ क्या है? बुद्धिमान जन। भाव समन्विताहा भक्ति भाव से युक्त होकर माम भजन्ते, मेरा ही भजन करते हैं। तो इसमें भी एक एक शब्द को हम लोग यदि विलक करते हैं, सर्वप्रथम बुधाहा, ये बुद्धिमान क्यों कहे गए ये लोग? क्योंकि भगवान के सिवाय अन्य किसी की सत्ता को वो नहीं मानते हैं, भगवान को ही सबसे सबके मूल में मानते हैं और भगवान का ही केवल आश्रय लेके उनमें श्रद्धा रखते हैं, ये उनकी बुद्धिमानी है। जैसे प्रहलाद महाराज, हिरण्यकश्यपु ने उनका श्रद्धा खंडन करने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन वो कहे कि भगवान से श्रेष्ठ और कोई है ही नहीं, अन्य किसी की सत्ता नहीं है, हिरण्यकश्यपु की सत्ता नहीं चलेगी। और सबके मूल स्रोत कौन है? हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को प्रश्न पूछ लिया था, तुझे ये शक्ति कहां से आ रही है? बोले, जहां से आपको आ रही है वहीं से मुझे भी आ रही है। तो स्रोत कौन है? भगवान है, और उन्हीं का आश्रय लेना। तो जब बड़े षंड अमर्क और उनके चेले चपाटे शुक्राचार्य के जब अलग अलग प्रकार से उनकी बुद्धि भ्रम करने का प्रयास कर रहे थे, उनको जान से मार डालने का प्रयास कर रहे थे, उनका विश्वास था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, उनका आश्रय ले रहे थे भगवान का, इस प्रकार से ये उनकी बुद्धिमानी है। और भाव समन्विताहा, वो भाव से युक्त होकर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं ये भाव का अर्थ क्या है, तो वो कहते हैं कि जो भक्ति के पांच रस होते हैं ना, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इन पांच प्रकार के भावों में से किसी एक भाव में स्थित होकर भगवान का भजन करता है, वो है पांच भाव या पांच रस। भक्ति रसामृत सिंधु में भाव की परिभाषा या भाव भक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी देते हैं, शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांश साम्यभाग रुचि भीष चित्तमश्रुण्य कृत असौ भाव उच्चते। ये भाव की परिभाषा है कि जब हमारा हृदय जो है वो सौम्य हो जाता है, जिस प्रकार से प्रेम सूर्यांश साम्यभाग, जो दोपहर का 12 बजे का सूर्य है उसे यदि हम लोग प्रेम कहे, तो जो सुबह का उगता हुआ सूर्य है उसे भाव कहा जाता है, तो वो है भाव समन्विताहा। और ये भाव से युक्त होकर वो लोग क्या करते हैं? भगवान कहते हैं माम भजन्ते, मेरा भजन करते हैं, मेरा भजन करते हैं वे लोग। तो और एक जगह भगवान ने ऐसे लोग होते हैं जो मेरा भजन करते हैं उनके बारे में कहा है, कोई जानता है? ऐसी टेस्ट कई और जगह, हिंट देता हूं, 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है? जैसे व्यासदेव जी को समय लगता था तो कूट प्रश्न डाल देते, तो मुझे पानी पीना था तो आपको कूट प्रश्न डाल देता, आप सोचेंगे तब तक क्या। हाँ, चार लोग, कोई तो बोल रहा है, यस यस, श्लोक क्या है? श्लोक है पता, बोलिए मेरे पीछे, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरदर्शभ। देखिए, माम भजन्ते, भजन्ते माम, वो कंप्यूटर की भाषा में सायन कलर है, आपको पता नहीं कौन सा कलर दिख रहा है वहाँ। तो माम भजन्ते, तो चतुर्विधा भजन्ते माम, ये भी लोग भजन करते हैं, चार प्रकार के लोग भगवान कहते ये मेरा भजन करते हैं, सत्य है, चार प्रकार के लोग भजन करते हैं। वो क्या भजन करते हैं, कौन कौन से लोग है वो चार? आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। आर्त, आर्त अर्थात डिस्ट्रेस,
कोई परेशानी में है तो चलो जाके मंदिर में जाके भगवान से परेशानी दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जिज्ञासु, ये थोड़ा इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी उनके अंदर चला आ जाता है। एक बार हम लोग यहाँ पे कुछ पेरेंट्स के साथ बात कर रहे थे, एक व्यक्ति नया व्यक्ति अचानक आया, एक प्रश्न है, रुकिए रुकिए, बोला हमारा डिस्कशन चल रहा है, अचानक डिस्कशन को छेड़ के क्या प्रश्न है बोलो। बोले हम लोग देख रहे हैं मंदिर खुल गया, सब लोग ऐसा आड़ा दंडवत क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। तो जिज्ञासु इनके अंदर प्रश्न होता है, और भाई इतना बर्निंग क्वेश्चन, मुझे लगा क्या बड़ा प्रश्न है इनका, तो भागते भागते आके प्रश्न पूछ रहा था। तो बहुत बार ये प्रश्न होता है नए लोगों को जब मंदिर में आते हैं, तो ऐसा दंडवत क्यों किया जाता है। तो हमें बताया कि जब भगवान का मंदिर होता है तो उनके सामने भगवान के बड़े भक्त होते हैं कि उनकी तरफ पैर नहीं जाए, इसलिए। तो राम मंदिर में जाओ तो हनुमान जी दिखेंगे, विष्णु मंदिर में जाएं तो गरुड़ जी दिखेंगे, इस्कॉन मंदिर आएंगे तो प्रभुपाद जी दिखेंगे, तो वहाँ पर पैर नहीं होने चाहिए, इसलिए हम लोग साष्टांग दंडवत तो करना है, तो हम लोग इसलिए इस प्रकार से करते। तो उसका पृच्छा का समाधान करना हुआ। तो जिज्ञासु, दूसरे होते अर्थार्थी, जिनको कुछ अर्थ चाहिए। मारुति, हमें एक मारुति कार दिला दो। तो कुछ चाहिए, अभिलाषा रखते हैं, है कि नहीं। तो वो अभिलाषा की पूर्ति के लिए भगवान के पास आते हैं, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी। और कुछ लोग होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी का अर्थ होता है कि ये ज्ञान मिश्र, ये कुछ चीजें चाहिए नहीं हमें, लेकिन थोड़ा और अधिक भगवान के बारे में जानना है, भक्ति प्रारंभ करने के लिए प्रयास करना है, तो ये होते हैं ज्ञानी। तो ये लोग भी भजन करते हैं, चतुर्विधा भजनते माम। लेकिन आज के श्लोक में जो भजनते कहा गया है उसमें अंतर है। अंतर क्या है कि ये जो चार प्रकार के लोग भगवान का भजन प्रारंभ करते हैं, ये कुछ कारण से किए हुए हैं। और आज के श्लोक में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो लोग भगवान का भजन करते हैं, वो इति मत्वा ये जानकर वो मान लेते हैं कि भगवान सबके स्रोत है और भगवान सारी सृष्टि का चलन वहन पालन करा रहे हैं, ऐसा मानकर बुधा वो बुद्धिमान लोग हैं और भाव समन्विता भावपूर्वक भगवान के भजन में लगते हैं। तो ये भजन का अर्थ क्या हुआ? भजन जो है वो भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, भगवान के रूप का ध्यान करना, भगवान की कथा सुनना, भगवत संबंधी ग्रंथों का जो है वो पठन करना, पाठन करना, वितरण करना, ये सब भजन है। और ऐसे भजन के कई सारे अवसर हमें उपलब्ध होते रहते हैं, रहते कि नहीं ऐसे। हम श्रवण के इतने सारे अवसर होते हैं कि अभी हमारा महोत्सव हाल ही में बलराम पूर्णिमा मनाई, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, हम लोग 7 दिन तक श्रवण किए, हमारा हर बुधवार को गीतामृत कार्यक्रम सुनने का अवसर मिलता रहता है, तो हम लोग इतना सुनते। तो श्रवण करना, कीर्तन करना, ये सब भजन का अंग है। ग्रंथ को पढ़ना, ग्रंथ का वितरण करना, ये सब जो है वो भजन का ही अंग है। और इसलिए जैसे अगर अपना वर्ल्ड होली नेम वीक चल रहा है, वर्ल्ड होली नेम वीक, इसमें ये सब भजन का ही अंग है कि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कराना, करते रहना। ये छोटा सा स्टॉल हमने लगा दिया है, देखा आपने बाहर, आपने देखा होगा विश्व हरिनाम सप्ताह, श्रील प्रभुपाद जी आपकी सहभागिता चाहते है, उसके नीचे लिखा गया, बड़ा बोर्ड आप पढ़िए उसको जाके, कि आपकी सहभागिता चाहते है। एक माला हम लोग कम से कम एक्स्ट्रा कर सकते है, एक माला बढ़ा सकते है, और बहुत लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं। हाँ, मेरी माँ देहू जाने वाली थी, कुछ उसका कार्यक्रम फिक्स होने वाला था, जैसे उसको पता चल गया हरिनाम सप्ताह आ गया, वो गई कि मैं नहीं जाऊँगी, कैंसिल, अभी मैं हर रोज घर में बैठ के 64 माला करूँगी, चालू जब। तो प्रोग्राम कैंसिल करके हरे कृष्ण महामंत्र का जब चालू। तो ये विश्व हरिनाम सप्ताह, ये ऐसे सु अवसर कीर्तन, ये भजन है वास्तव में। और इसी प्रकार से अभी आने वाले 29 तारीख को आप जानते हैं क्या होने वाला है? एक भद्र पूर्णिमा करके उत्सव मनाते हैं हम लोग, भद्र पूर्णिमा। ये भाद्रपद महीना चल रहा है ना, थोड़ी गर्मी हो रही है, थोड़ा सा बारिश नहीं हो रही है, तो ये भद्र पूर्णिमा क्या होता है? भद्र पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग श्रीमद् भागवतम का जो है वो गुणगान करते हैं। जो मैंने एक श्लोक सुनाया आपको, देखा आपने वो मंगल श्लोक हमने सुना था, यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत, कल्पना कीजिए श्रीमद् भागवत का एक श्लोक हम लोग मंगल ध्वनि के लिए उच्चारण करते हैं। यदि 18,000 श्लोकों वाला ग्रंथ यदि हमारे घर में रहे तो कितना मंगल हो सकता है, 1,000 श्लोक उसमें है। तो इस दिन, क्योंकि उस दिन श्रीमद् भागवत बोला गया था, ऐसा कहा गया था उस दिन, तो उस दिन श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में ऐसा वर्णन आता है कि उस दिन भद्र पूर्णिमा के दिन यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत को अपने घर में लाता है या श्रीमद् भागवत ग्रंथ का दान करता है, उसका वैकुंठ में सीट बुक हो जाता है, सीट बुक हो जाता है वैकुंठ में। तो ये श्रीमद् भागवतम
और खास करके हमारे गिफ्ट शॉप में ये तो डिस्काउंट में दे देते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। जैसे दिवाली में होता है ना डिस्काउंट ऑफर चलती है 50% डिस्काउंट, इस प्रकार से डिस्काउंट में दिया जाता है। तो यदि आपको डिस्काउंट में श्रीमद् भागवत आपके पास लेना है या आपको ऐसा कुछ गिफ्ट के रूप में लोगों को देना है कि उनका भी टिकट बुक हो जाए और वो जिंदगी भर याद रखे ऐसा कुछ गिफ्ट मुझे किसी ने दिया था, नहीं तो बाकी कुछ हम लोग गिफ्ट देते हैं लोग भूल जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जो लोग जीवन भर याद रखे। तो ये श्रीमद् भागवत ये ऐसा ग्रंथ है जो वास्तव में किसी को उपहार के रूप में दिया जाता है। और उस श्लोक में श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में उपहार की ही बात की गई है। जो व्यक्ति इस दिन आपके पास यदि श्रीमद् भागवत नहीं होगा तो आप भागवतम जरूर लीजिए। आपको यदि किसी को गिफ्ट देना है, साल भर में आप कहीं ना कहीं तो ऐसी जगह जाएंगे जहां पर आपको बड़ा गिफ्ट उपहार में किसी को देना है, तो ये श्रीमद् भागवतम बड़े बक्से में पैक करके आप उनको दे सकते हैं, या उस दिन देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो ये श्रीमद् भागवतम भद्र पूर्णिमा, तो ये भी भजन का अंग है। और इस प्रकार का भजन जो चतुर्विधा भजन्ते माम का भजन है उसमें खंडन आ सकता है। व्यक्ति भगवान का भजन प्रारंभ किया, भगवान मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, भजन बंद। लेकिन ये क्योंकि ये बुद्धिमान व्यक्ति है, भाव समन्वित होकर ये भगवान का भजन कर रहा है, इसके भजन में कभी खंडन नहीं आता है, इसका भजन और बढ़ जाता है। और उदाहरण के लिए हमारे राजा परीक्षित, जब उनको शाप मिल गया था तो क्या कहते हैं ऋषि मुनियों को, जो गंगा के तट पे इतने ऋषि मुनि उपस्थित हो गए थे, तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम् निर्वेदमूलो द्विजशाप रूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशुदत्ते। वो कहे कि वो ये जानते थे कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, द्विजशाप रूपो, भगवान मानो ये शाप के रूप में अभी मेरे सामने उपस्थित हो गए, मैं इसको प्रतिशाप नहीं दूंगा, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। 7 दिन श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए गंगा के तट पर बैठ गए, तो इनका भजन जो है वो बढ़ गया। तो जब कुछ लोग हमें मिलते हैं और कई समय बाद फिर मिलते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं आ रहे आप, बोले कि जीवन में बड़ी समस्या चल रही है इसलिए नहीं आ रहे हैं, ऐसा होता है बहुत बार। तो वास्तव में फिर हम लोग उनको परीक्षित महाराज का उदाहरण देते थे, राजा परीक्षित के जीवन में जन्म मृत्यु की सबसे बड़ी समस्या आई तब जाके उन्होंने कथा सुनी। तो जीवन में जब बड़ी व्यथा होती है तो कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है, तो सुन लेनी चाहिए। तो व्यथा को दूर करना है तो कथा की आवश्यकता होती है, हमारा उल्टा होता है, व्यथा आती है तो कथा से हम लोग दूर जाते हैं। तो राजा परीक्षित ये माम भजन्ते का बड़ा उत्तम उदाहरण है। और आखिर में हम लोग इसी श्लोक का एक समानार्थी श्लोक गीता में आता है उसको भी देखेंगे, कि ये बड़ा कलरफुल स्लाइड आपको दिखेगा यहाँ पर। तो आज का जो श्लोक उसी का समानार्थी श्लोक 15वें अध्याय में 19वें श्लोक में आता है। यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। मराठी में एक प्रश्न है ना जोड़िया जुड़वा, तो यहाँ पर कलर की जोड़ी आपको मैच करनी है, लाल कलर के साथ लाल कलर। भाव समन्विता आज के श्लोक में है, 15वें श्लोक में क्या मिलता है, सर्वभावेन। ऊपर वाले श्लोक में आज के श्लोक में बुधा मिलता है, बुद्धिमान व्यक्ति। नीचे क्या मिलता है, असम्मूढ़ो, असम्मूढ़ो मतलब जो मूढ़ नहीं है मतलब बुद्धिमान है, या सर्ववित वह सब कुछ जानता है मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। और दूसरा एक कलर है भजन्ते माम, नीचे क्या है भजति माम, वो मेरा भजन करता है। और अंडरलाइन किया हुआ और एक शब्द है ऊपर, हम सर्वस्य प्रभु ओ मत्तः सर्वम प्रवर्तते। नीचे श्लोक में जानाति पुरुषोत्तमम, वो पहले वाले श्लोक में इति मत्वा वो जान लेता है, नीचे भी श्लोक दिया जान गया है, इसलिए वो भगवान को क्या मानता है, पुरुष उत्तम, सारे पुरुषों में उत्तम। यस्मात् क्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। गीता में भगवान बोलते हैं मुझे लोग पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं, वह व्यक्ति मुझे पुरुषोत्तम जान के मेरे भजन में लग जाता है, सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन भारत शब्द याद आ रहा है आपको, शुरुआत की थी हमने, तो ये भारत यहाँ पर अर्जुन का एक नाम किया गया है। तो ऐसा ये समानार्थी श्लोक बिल्कुल यहाँ पर हम लोग जो है वो देख पा रहे हैं। तो निष्कर्ष रूप में हमने जो आज का श्लोक देखा कि अहम सर्वस्य प्रभवः, भगवान कहते हैं कि सब कुछ मुझसे आता है। हमने देखा आध्यात्मिक संसार भगवान से आता है, भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति भगवान से होती है,
जितने सारे अवतार है उनके स्रोत भगवान श्री कृष्ण है, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब सारी सृष्टि जो है वो मुझसे चलायमान होती है। और 15वें अध्याय के जो है वो 3 श्लोकों से हमने देखा, कॉस्मोलॉजिकल लेवल, टेरेस्ट्रियल लेवल और फिजियोलॉजिकल लेवल की 3 प्रकार से ये हमारा शरीर को चलाना, पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी को चलाना और सारे ग्रहों को चलाना, इनके पीछे किस प्रकार से भगवान का हाथ है। इति मत्वा, इस प्रकार से मानकर, केवल जानकर नहीं, जानना बुद्धि से होता है, मानना हृदय से होता है, जिसका कभी खंडन नहीं होता। बुधाहा, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति भाव समन्विताहा, बड़े प्रेम में भाव से क्या करता है, माम भजन्ते, भगवान के जो है वो भजन में लग जाता है। तो एक बार फिर से ये श्लोक दोहराएंगे हम लोग, क्योंकि हमने सोचा था कि ना श्लोकों का उच्चारण होना चाहिए। तो एक बार पहले श्लोक का उच्चारण किया, दूसरी बार हमने एक एक शब्द का उच्चारण किया, 3 बार उच्चारण होना चाहिए, किसी भी चीज को 3 बार करते हैं। तो तीसरी बार श्लोक का उच्चारण करेंगे, कुछ लोगों का आज ही कंठस्थ हो जाएगा घर जाते जाते। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति मेरे भजन में लग जाते हैं। तो ये भजन का प्रकार क्या होता है, तो ये बुद्धिमान लोग 6 प्रकार से भगवान का भजन करते हैं। वो 6 प्रकार क्या है उसका उत्तर भगवान 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में देंगे, लेकिन उसको यदि आपको सुनना है तो आपको आना होगा अगले बुधवार इसी समय इसी जगह पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।